दो दिन पूर्व विलारी तहसील के लेखपाल प्रताप वीर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वह सार्वजनिक तौर पर दिन के समय शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में किसी काम को लेकर चली चर्चा के अंतर्गत रकम भी लेते दिखाई दिए हैं, जिसके चलते उप जिलाधिकारी बिलारी ने कार्यवाही करते हुए लेखपाल प्रताप वीर को उनके हल्के से हटाकर निलंबित कर दिया है। उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रूप से मदिरा पान करना राजस्व कर्मी या सरकारी अधिकारियों के द्वारा की गई अनुशासनहीनता दर्शाता है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते लेखपाल प्रताप वीर को भी निलंबित कर दिया गया है। पूछने पर उन्होंने बताया कि वीडियो में भ्रष्टाचार से संबंधित मामला भी सामने आ रहा है, यदि हमें लिखित में शिकायत मिलेगी तो निश्चित कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में कानूनगो द्वारा उक्त लेखपाल के इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है। देखिए मुरादाबाद से सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट। एक वीडियो सामने आई है, जिसके अंतर्गत वो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए दर्शाया गया, जबकि एक की आपकी हमारी जो ड्यूटी के कंडक्ट के विरुद्ध है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया गया है और दफ्तर से अटैच कर दिए और नैबदार जो सोडा रहा है उनको जाँच अधिकारी को। अच्छा सर, ऐसे और आदमी के कर्मचारियों के लिए क्या दिशा निर्देश देने जाएंगे? दिशा निर्देश स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आपका जो भी आपका इस प्रकार के कर्तव्य में लिप्त रहेगा, जिससे शासन की छवि पे विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा उस पर भी कोई कार्रवाई चल रही है? जांच रूप से जो उसमें एक ये भी एक अभी लिखित रूप से हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो उसमें जो भी उल्लेख है उसके संबंध में विस्तृत रूप से नायब साहब को आदेशित कर दिया गया है, उसकी जाँच कर। समान रूप से आपके चेक मार्क की बिल के बिल में जो कमियां हैं उसके संबंध में और राशन कार्ड जो समान रूप से समान शिकायतें हैं वही प्रमुखता रूप से रहती हैं।